हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अवकलन सीखेंगे और मैं आपको ये द बेस्ट टेक्निक ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलन के बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन तरीके को सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि आज के क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और पूरी क्लास जो है ना शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर है अवकलन कैसे सीखे द बेस्ट टेक्निक ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पहले देखिए हम इस डेरिवेटिव्स का मतलब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस अवकलन का मतलब सबसे पहले जानना होगा ये हमारा अवकलन है क्या। ठीक है, तो देखिए इस अवकलन को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। क्या कहा जाता है? तो डेरिवेटिव्स कहा जाता है मेरे बच्चों, और कहीं कहीं जो है ना इसे डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। कहीं कहीं से डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और कहीं कहीं इसे अवकलज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहीं कहीं से अवकलज के नाम से भी जानते हैं। चूंकि हम बेस्ट तरीका बताएंगे इसलिए ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे हमें लिखा डी बाई वाई का डी एक्स, इसका मतलब ये होता है कि वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष। ठीक है, और ये मालूम है आपका ये क्या देता है? स्लोप देता है मेरे बच्चों। क्या देता है? स्लोप देता है, यानी कि टेन थीटा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको हम समझाएंगे और बेस्ट तरीका ही बताएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे इसका कुछ प्रमुख सूत्र होता है बच्चों, जिसको पहले हम जानकारी ले लें यहाँ पे कि यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन जो है एक्स के सापेक्ष हमारा क्या होता है? कॉस एक्स होता है। यहाँ पे कॉस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष हमारा क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। टैन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष हमारा क्या होता है? सेक का एक स्क्वायर एक्स होता है। और यहाँ पे कॉट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष जो होता है माइनस का कौशे का स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, पहले फॉर्मूला को समझते हैं। यहाँ पे डी सेक एक्स और बाय डी एक्स बराबर जो होता है ये सेक एक्स और इंटू का टेन एक्स होता है। फिर यहाँ डी कौशेक एक्स बाय का डी एक्स बराबर का माइनस का कौशेक एक्स और इंटू का कॉट एक्स होता है। फिर यहाँ पे d e टू द पावर x का अवकलन जो होता है ये e टू द पावर का x होता है। d a टू द पावर x का अवकलन x के सापेक्ष निकालेंगे तो a टू द पावर x इंटू लॉग x होता है बच्चों। ठीक है, लॉग a होता है, सॉरी, है ना। ये हमारे क्या होते हैं? ये अवकलन के प्रमुख सूत्र होते हैं। ये हमारा क्या है? अवकलन के प्रमुख सूत्र है मेरे बच्चों। ये अवकलन के क्या है? ये प्रमुख सूत्र है बाबू। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा मेरे बच्चों। ये क्या करना होगा? आपको याद रखना होगा। ठीक है, कोई बच्चे यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेस्ट मेथड नंबर वन, पहले क्या जानना है जरा बात को समझेंगे। यहाँ पर जो है ना ये डी साइन एक्स और बाई का डी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? इसको कहते हैं साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष। साइन एक्स का अवकलन जो है इसे हम कहते हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कहते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, अब जरा देखिए बात को जरा समझने का बाबू। ठीक है, कि यहां पर जो होता है ना, यहां पर ये एक्स जो होता है ना ये हमारा एंगल होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। और यह एंगल जो होता है यह हमारा रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में होता है मेरे बच्चों। जब तक ये एक्स रेडियन में नहीं होगा ना आप इसका अवकलन नहीं निकाल सकते मेरे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर तरीका हमारा क्या है। देखो हमने क्या लिखा कि डी साइन एक्स और बाई का डी एक्स। तो यहाँ पर ये जो कोण है ना मेरे बच्चों, यहाँ पर ये जो कोण है ना, ये कोण जो है ना, ये कोण जो है, ये एंगल जो है ना, इसी के सापेक्ष हम क्या करते हैं? तो अवकलन करते हैं। देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तो साइन का कन्वर्सन सिर्फ होगा, है ना। ये दोनों सेम रहेगा ना, तो सिर्फ साइन का कन्वर्सन किस में हो जाएगा? तो कॉस में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और एक्स का एक्स रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ साइन का कन्वर्सन होगा मेरे बच्चों। ठीक है,
तो एक तरह से पहले आप याद कर लो क्या भाई कि साइन का कन्वर्सन हमारा कॉस में होता है, कॉस का कन्वर्सन हमारा साइन में होता है, टैन का कन्वर्सन हमारा सेक स्क्वायर में होता है, ठीक है, कॉट का कन्वर्सन हमारा माइनस का कोसेक स्क्वायर में होता है, और यहाँ पे सेक का कन्वर्सन जो होता है ये सेक इंटू टेन में होता है, और कोसेक का कन्वर्सन जो है ना ये माइनस कोसेक और इंटू कॉट में होता है, ठीक है, ये कन्वर्सन आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो पहला टेक्निक आपको हमने क्या बताया कि ये जो हमारा साइन का एंगल में जो भी रहता है ना उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो सिर्फ साइन का कन्वर्सन होता है मेरे बच्चों। किसका कन्वर्सन होता है? तो सिर्फ साइन का कन्वर्सन होता है, ठीक है। देखिए हमने अभी जस्ट बताया यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि हमारा डी साइन एक्स और वाई का डी एक्स, यानी कि यहाँ पर जो है उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सिर्फ साइन का कन्वर्सन किस में होगा? कॉस में होगा, और जिसके सापेक्ष करते हैं ना वह नहीं बदलता है मेरे बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूं कि डी साइन एक्स स्क्वायर और वाई का डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बात को जरा समझिएगा, यहाँ पर हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमारा साइन का जो एंगल है ना, ये साइन का एंगल जो है ना ये हमारा एक्स स्क्वायर है, और उसी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो सिर्फ साइन का कन्वर्सन होगा, और वह हमारा क्या हो जाएगा तो कॉस होगा, और जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तीसरा तरीका ये कि यहाँ पे मैं डी साइन का यहाँ पर रूट एक्स लिखूं और यहाँ पे रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन करूं, तो देखिए यहाँ भी रूट एक्स और यहाँ भी रूट एक्स, सिर्फ साइन का कन्वर्सन किस में होगा बच्चों? तो कॉस में होगा बाबू मेरे, किस में होगा? कॉस में होगा। ये पहला टेक्निक है मेरे बच्चों अवकलन निकालने का, ठीक है, ये पहला हमने टेक्निक बताया अवकलन निकालने का बाबू मेरे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट नोट कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पे मेरा दे देगा मेरे प्यारे बच्चों, टेक्निक को जरा समझिएगा, यहाँ पर कुछ भी दे दे, यहाँ पर डी दे दिया, यहाँ पे साइन दे दिया है ना, और यहाँ पे आपका एक्स पे पावर फाइव दे दिया, और उसी के सापेक्ष अवकलन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ भी एक्स फाइव, यहाँ भी एक्स फाइव, सिर्फ साइन का कन्वर्सन किस में होगा? तो कॉस में होगा, और जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये पहला टेक्निक है मेरे बच्चों, है ना, ये हमारा ये पहला टेक्निक है, ये पहला हमारा क्या है, तरीका है मेरे प्यारे बच्चों अवकलन सीखने का, ठीक है, क्लियर हो गया, पहला तरीका समझ गए। चलिए अब दूसरे टेक्निक को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या दूसरा टेक्निक है हमारा, दूसरा तरीका, ये दूसरा तरीका क्या है जरा बात को समझेंगे। अभी जस्ट हमने क्या सीखा, इस तरीके में आपको सिखाएंगे d साइन 2x y का x के सापेक्ष, यहाँ पर सिखाएंगे d साइन x स्क्वायर का x के सापेक्ष, ठीक है, आपको यहाँ पे सिखाएंगे d साइन रूट एक्स और y का dx, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा क्या है ना कि साइन का एंगल डिफरेंट होगा, और जिसके सापेक्ष लेंगे अवकलन निकालेंगे वो भी हमारा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी जस्ट हमने क्या सीखा था मेरे बच्चों, जरा उस पर बात करते हैं। यहाँ पर d साइन का x है और बटे का x है मेरे बच्चों। अभी जस्ट पहला टेक्निक हमने क्या सिखाया था कि यह जो एंगल x है ना और उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सिर्फ साइन का कन्वर्सन किस में होगा? तो कॉस में होगा, और जिसके सापेक्ष करेंगे उसके उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर हमारा है d साइन का 2x, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा क्या भाई कि यहाँ पर हमारा जो है ना साइन में ये हमारा क्या है 2x, तो जब तक साइन के एंगल में 2x है जब तक यहाँ 2x नहीं आएगा तो अवकलन नहीं निकलेगा, यानी कि भाग दिए हैं और यहाँ पर क्या करेंगे उतना ही से गुना करेंगे, ठीक। अब देखिए है ना, आ गया ना कि यहाँ साइन में हमारा क्या है 2x है और इसी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो सिर्फ साइन का कन्वर्सन किस में होगा मेरे बच्चों? सिर्फ साइन का कन्वर्सन जो होगा ये कॉस में होगा, ठीक है, और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो परिवर्तन नहीं होगा लेकिन यहाँ पर होगा मेरे बच्चों, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये dx अभी लिखे नहीं ना, dx अब लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ से दो बाहर कर लेंगे मेरे बच्चों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx बटे का ये dx होगा, ये दो दो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा मेरे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे हमने दूसरा
पहला सवाल हमने आपको बताया, यहाँ पे दूसरा हमारा है डी साइन हमारा एक्स स्क्वायर और वाई का डी एक्स है मेरे बच्चों। फिर वही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, फिर वही बात को समझेंगे कि यहाँ पे हमारा डी साइन हमारा एक्स स्क्वायर रहता और उसी के सापेक्ष हम अवकलन निकालते तो सिर्फ साइन का कन्वर्सन किस में होता, तो कॉस में होता मेरे बच्चों। लेकिन यहाँ पे डी साइन का एक्स स्क्वायर है बटे का डी एक्स है बाबू। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या करेंगे, डी साइन हमारा एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि भाग दिए हैं तो उसको गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे ये डी एक्स जो है इसके साथ आ जाएगा बाबू। ठीक है, तो साइन का कन्वर्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कॉस हो जाएगा, जिसके सापेक्ष निकालेंगे वह नहीं बदलेगा। और आपको मालूम है नहीं है तो एक फॉर्मूला होता है कि जिस पर घात होता है ना, जिस पर घात होता है उसके सापेक्ष निकालिएगा तो घात गुना में आ जाता है, और उस पर एक घात कम करके लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे घात हमारा दो है तो दो बाहर आ जाएगा, एक घात कम करके लिखेंगे तो हमारा ये 2x होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा cos और ये हो जाएगा x स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये दूसरा बेस्ट टेक्निक है आपका ये हमारा निकालने का। बच्चे है ना डायरेक्ट निकालने के लिए जानते हैं है ना, लेकिन यहाँ पे तरीका को यदि आप समझिएगा ना तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको यदि आप फटाफट आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लेंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। दूसरा बेस्ट तरीका हो गया, ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड बाबू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे तीसरा तरीका को देखते हैं कि तीसरा हमारा तरीका क्या होता है। ये तीसरा तरीका जरा अभी बात को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट हमने कभी फॉर्मूला बताया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया था कि यहाँ पे डी एक्स पे घात यदि एन हो और यहाँ पे डी एक्स हो, यानी कि जिस पर घात हो, तो एक्स पर घात है ना, यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, इस एक्स पर घात है और इसी के सापेक्ष हम अवकलन निकाल रहे हैं, तो यहाँ घात गुना में आ जाता है और एक घात कम करके लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए टेक्निक क्या होता है, यदि मैं यहाँ पे डी साइन का स्क्वायर लिखूं है ना, और बट्टे का यहाँ पे डी साइन का एक्स लिखूं मेरे बच्चों, तो यहाँ पर जरा देखिए किस पर घात है बाबू, तो हमारा ऊपर साइन पे घात है और उसी के सापेक्ष हम अवकलन निकाल रहे हैं, ये घात गुना में आ जाएगा और यहाँ पर एक घात कम करके इसको लिखेंगे, एक घात क्या करके लिखेंगे, कम करके लिखेंगे बाबू जब, है ना। यदि यहाँ पे हमारा पूछ दे सिंपल सी बात है डी ई टू दी पावर का 2x और बाई का यहाँ पे डी एक्स पूछ दे, है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, किस पर घात है बाबू, तो ई पे घात दो है और उसी के सापेक्ष अवकलन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, घात गुना में आ जाएगा और एक घात कम करके लिखेंगे, और यही हमारा तरीका हो जाएगा मेरे बच्चों, यही हमारा है बेस्ट टेक्निक, यही हमारा क्या है बेस्ट टेक्निक है। दूसरा तीसरा तरीका हो गया बच्चा अवकलन निकालने का, क्लियर है। अभी हमने कोई रूल को फॉलो नहीं किया है, इसमें योगफल का नियम आता है, गुणनफल का नियम आता है, और ये हमारा है ना, और लास्ट में टेक्निक भी बताएंगे डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जरा बात को जरा समझने का और फटाफट नोट करने का मेरे बच्चों, क्लियर है कहानी बाबू, चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड। तीसरा तरीका हो गया, तीन तरीका तो सीख लिए आप लोग, देखिए चौथा तरीका जो है ना, चौथा तरीका हमारा, चौथा तरीका क्या है जरा समझेंगे इस चौथे तरीके को। ठीक है, यदि यहाँ पे दे दे अवकलन इस टाइप का क्वेश्चन कि यहाँ पे डी साइन स्क्वायर एक्स और बाई का डी एक्स है मेरे बच्चों, कोई क्वेश्चन यहाँ पे दे दे कि डी साइन यहाँ पर स्क्वायर टू एक्स और बाई का डी एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन को यहाँ पर दे दे यहाँ पे डी साइन का स्क्वायर और यहाँ पर रूट एक्स है और बट्टे का यहाँ पर क्या है डी एक्स है मेरे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है, और तब कहे कि अवकलन निकालिएगा। तो अभी जो रूल हमने पढ़ा ना, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों रूल इस्तेमाल होगा। पहला देखो क्या, यदि इसका अवकलन करेंगे तो पहले किस पर वर्ग है बाबू, तो यहाँ पे साइन पर घात दो है और बट्टे का एक्स है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, अभी जस्ट हमने पढ़ा था
कि यहां पे जिस पर घात होगा ना, जिस पर घात होगा ना, साइन पे घात है उसी के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे, यानी कि यहाँ डी साइन एक्स से भाग दिए हैं तो यहाँ पे गुना करेंगे डी साइन का एक्स, और देखिए यहाँ पे डी एक्स है, ये हमारा डी एक्स हो गया। अब तरीका हमारा समझ में आ गया ना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घात गुना में आ जाएगा, एक घात कम करके लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर साइन का एंगल में एक्स और इसी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो सिर्फ साइन का कन्वर्सन किस में होगा, तो कॉस एक्स में होगा। ये अलग बात है कि इसकी फॉर्मूला होती है, ये हो जाएगा साइन हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है, साइन हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए आप लोग, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बाबू जरा, ठीक है। ये बेस्ट आपको टेक्निक बता रहे हैं बच्चों, जिससे आप अवकलन को निकालिएगा, बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे बच्चों, ठीक है। शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होगी, फिर बल्ले बल्ले। चलिए अब यहाँ पे हमारा क्या है ना, अब हम पांचवा तरीका आपको सिखाने वाले हैं, है ना। यहाँ पे पांचवा तरीका जरा सीखिएगा तो फिर बल्ले बल्ले कीजिएगा, है ना। पांचवा तरीका सीखिएगा फिर बल्ले बल्ले कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या है, यह पांचवा तरीका, यदि बाई बराबर का बाबू यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दे दे, साइन ऑफ कॉस ऑफ और यहाँ पे टेन ऑफ और यहाँ पे रूट एक्स दे दे, और तब कह दे कि इसका डी बाय बाय डी एक्स क्या होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर दे दे बाबू, यहाँ पर वाई बराबर का यहाँ पर साइन दे दे, रूट एक्स दे दे, फिर रूट डाल दे, फिर यहाँ पे साइन लगा दे, फिर यहाँ पे रूट डाल दे, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके सामने आए तो किस प्रकार से हल कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें चेन रूल लगाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन में हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। जरा देखिए टेक्निक यदि आप समझ गए ना तो एकदम बल्ले बल्ले, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या कहता है कि पहले बाई बराबर का यदि हम रूट एक्स लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे यदि डी बाई बाय डी एक्स निकालते हैं तो यहाँ पर क्या है डी रूट एक्स और बाई का डी एक्स। मेरे प्यारे बच्चों जरा बात को समझिएगा, फिर इस तरह के क्वेश्चंस पर आएंगे बाबू। यहाँ पर किस पर रूट है जी, तो एक्स पर, ये होता है वन बाई का टू रूट का एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम क्या कर दे, अब इस रूट के आगे हम साइन लगा दे और तब इसका अवकलन निकाले यहाँ पे एक्स के सापेक्ष, ठीक है। अब एक फंक्शन बढ़ गया ना, पहले रूट था अब साइन हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, चेन रूल क्या कहता है, पहले इस साइन का अवकलन होगा तब फिर रूट का होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे डी साइन रूट एक्स, है ना, चूंकि ये साइन में रूट है तो पहले रूट के सापेक्ष होगा, और यहाँ भाग दिए हैं तो ये गुना करेंगे डी रूट एक्स और बाई का डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ रूट एक्स साइन से बदलेगा, तो ये हो जाएगा कॉस का रूट एक्स और इस रूट एक्स का हो जाएगा वन बाई का टू रूट एक्स। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अब आपको दे दे मेरे प्यारे बच्चों ये तीसरा, है ना, तीसरा क्या कर दे यहाँ पे, जरा बात को समझिएगा। तीसरा में यदि हम यहाँ पे क्या कर दे, रूल को यदि फॉलो करना है, है ना, तो जरा समझिए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमारा रूट एक्स था, यहाँ पे साइन था ना, अब यहाँ पे हम इसके आगे कॉस लगा देते हैं और तब इसका अवकलन निकालते हैं बच्चों। तब हम इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तरीका समझिए, है ना, पहले हमारा रूट एक्स था, ये सबसे बाद में आएगा, उसके बाद हमने साइन लगाया, इसके जस्ट बाद में आएगा, फिर यानी कि सबसे पहले अवकलन यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे मेरे बच्चों। देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहां पर है डी कॉस और कॉस के एंगल में है साइन का रूट एक्स, ठीक है, तो बटे का यहां पर क्या करेंगे, डी साइन का रूट एक्स। देखिए कॉस का अवकलन होगा लेकिन इसका एंगल में हमारा साइन आ जाएगा, अब यहाँ भाग दिए हैं तो यहाँ गुना करेंगे डी साइन रूट एक्स और बाई का यहाँ पर करेंगे डी रूट एक्स और यहाँ पर करेंगे डी रूट एक्स और बाई का ये करेंगे डी एक्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, सिर्फ कॉस का परिवर्तन होगा माइनस का साइन में, माइनस साइन और ये हो जाएगा साइन का रूट एक्स, और यहाँ पर देखिए यहाँ रूट एक्स है, यहाँ रूट एक्स है, सिर्फ साइन का परिवर्तन होगा इस कॉस में, कॉस रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है, और रूट एक्स का हो जाएगा वन बाई का टू रूट का एक्स, ठीक है। तो ये हमारा, इसको चेन रूल कहते हैं बाबू। अक्सर लोग क्या करते हैं ना,
कि यहां पे ये डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड भी आपको हम बताएंगे, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, चलिए ठीक है। चलिए बाबू, अब देखिए यहां पर जो है ना, इसको डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, जैसे अभी क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे डी कॉस ऑफ साइन यहाँ पे और यहाँ पे रूट एक्स और वाई का dx। बच्चे जो है ना आजकल एकदम क्या है ना, डायरेक्ट हो गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे पहले कॉस का अवकलन होगा, तो कॉस का अवकलन क्या होता है, साइन होता है, इसके साथ ये पूरा आ जाएगा, ये साइन का रूट एक्स होगा, ठीक है, फिर इंटू करेंगे, फिर अब की बार साइन का अवकलन होगा, साइन का अवकलन क्या होता है, ये कॉस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और लास्टली इस रूट का अवकलन होगा, रूट का अवकलन क्या होता है, वन बाय टू रूट का एक्स होता है, ठीक है। इसके लिए अवकलन का सूत्र याद रखना होगा कि कॉस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष हमारा क्या होता है, माइनस का साइन होता है, और यहाँ पे हमने यूज किया डी साइन एक्स बटे का डी एक्स, इसका सूत्र क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और डी रूट एक्स का सूत्र जो होता है ये हमारा वन बाई का टू रूट का एक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, पूरे अवकलन का जो हमने फॉर्मूला रखा, एक चार्ट कॉपी पर बना लीजिएगा, फिर बल्ले बल्ले, यानी कि चेन रूल में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको सिखाते हैं डायरेक्ट मेथड वाला, यहाँ पर कर दे क्या मेरे बच्चों, यहाँ पे रूट लगा दे, फिर साइन लगा दे, फिर रूट लगा दे, फिर यहाँ पे साइन लगा दे, फिर यहाँ पे रूट लगा दे, और फिर यहाँ पे साइन लगा दे, और फिर यहाँ पे रूट लगा दे मेरे प्यारे बच्चों, और तब कहे कि इसका अवकलन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड आपको सिखाते हैं, ये दूसरे तरीका से भी सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारा क्या है, रूट है, तो आपको मालूम है ना कि रूट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, वन बाई का टू रूट का एक्स होता है, ठीक है। तो इस रूट का पहले यहाँ पर अवकलन निकालेंगे, तो ये जिसका रूट है ना, किसका रूट है, इस साइन का पूरे का रूट है, तो यहाँ हो जाएगा साइन, और स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा साइन, फिर रूट हो जाएगा साइन, और फिर ये रूट एक्स, ठीक है, इसका हो गया। फिर इसके बाद पहला नंबर में इसका हो गया, दूसरा नंबर में साइन का होगा, तो साइन का क्या होता है, साइन का अवकलन हमारा कॉस होता है बाबू मेरे, है ना, साइन का अवकलन क्या होता है, तो कॉस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये साइन का कॉस, इस साइन का कॉस हो जाएगा, बाकी उसका एंगल में है रूट साइन, और फिर है हमारा रूट, और ये साइन का रूट एक्स, ठीक है, फिर इंटू यहाँ पे करेंगे, फिर ये हमारा तीसरा नंबर में रूट आ गया, तीसरा नंबर में रूट आ गया, तो जिसका रूट है ना, किसका रूट है, साइन का, तो यहाँ पर हो जाएगा टू अंडर रूट, और यहाँ पर हो जाएगा साइन और अंडर रूट, ये हो जाएगा साइन रूट का एक्स, और फिर हो जाएगा इनटू, ठीक है। फिर ये चौथा नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, चौथा नंबर में ये साइन का होगा, है ना, तो साइन का क्या होता है, तो कॉस, है ना, और कॉस ये हो जाएगा अंडर रूट साइन का रूट एक्स, ठीक है। फिर इनटू यहाँ पे करेंगे, हमारा क्या है, ये पांचवा नंबर में फिर क्या आ गया, रूट, पांचवा नंबर में क्या आ गया, रूट आ गया, तो फिर रूट का क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन बाई का टू अंडर रूट, ये जो हो जाएगा साइन का रूट एक्स, ठीक है। फिर इनटू यहाँ पर करेंगे, फिर पांचवें नंबर में कौन आ जाएगा, तो ये साइन, छठे नंबर पे साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस और रूट एक्स, और फिर यहाँ पर गुना करेंगे, और लास्टली हमारा छठे नंबर, सातवें नंबर पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, इसका हो जाएगा वन बाई का टू रूट का एक्स। फिर क्या है, करना कुछ नहीं आंसर लिखने में, हम यहाँ से लिखे ना शुरू से, आप पीछे से, है ना, आप हमने सीधा लिखा, आप उल्टा करके लिख दो, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आंसर की बात कीजिएगा, तो पहले पीछे से लिख दीजिए वन बाई का टू रूट एक्स, ठीक है, फिर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस का रूट एक्स, फिर क्या हो जाएगा वन बाई का टू अंडर रूट साइन का रूट एक्स, और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ अंडर रूट का साइन रूट एक्स, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा वन बाई का टू अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे साइन, और अंडर रूट हो जाएगा साइन रूट का एक्स, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ, है ना, ये समथिंग, यानी सीधा, हमने जगह कम है, हम जो सीधा करके लिखे ना, आप उल्टा करके लिखिएगा, और फर्दर ये पूरा यहाँ तक पहुंचे ना, फिर ये भी लिखिएगा, ये लास्ट में लिखिएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा इस तरह से हम क्या निकालते हैं, तो ये अवकलन सीखते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है, इसको चेन रूल कहा जाता है बच्चों,
इसे क्या कहा जाता है, तो चेन रूल कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस चेन रूल के जरिए हम अवकलन को निकालेंगे। ये तरीका आपको यहां तक आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, है ना, आपको लिख दिए ना। आप देखिए, समझने के लिए यहां पर लिख देते हैं। पहला नंबर में हमारा क्या आ रहा है, इंडिकेशन देते हैं। पहला में हमारा रूट आ रहा है, दूसरा में हमारा क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तीसरा में फिर क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, चौथा में फिर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, पांचवा में फिर क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, छठा में फिर क्या आ रहा है, तो साइन आ रहा है, और सातवां में फिर से क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, ठीक है। तो ये इस बात को आप समझिएगा ना, तो आपका अवकलन एकदम बिल्कुल चटनी लगेगा मेरे को, ठीक है। चलिए, नोट कर लिए। चलिए बाबू, अब कुछ आपको ट्रिक बताते हैं जिसपे ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, अक्सर बच्चों ना, यहाँ पे आप लिखते हो डी, एक ट्रिक है जिसको आप लोग याद कर लेना कि डी वन बटे का एक्स और वाई का डी एक्स। देखिए क्या होगा अवकलन, तो करने का कुछ नहीं, यहाँ एक्स पे घात एक है ना, तो यहाँ पर एक लिखने का, माइनस लगाने का, बट्टा करने का, और एक्स पे एक घात बढ़ा के लिखने का, हो गया अवकलन। यहाँ पे डी वन बटे का एक्स स्क्वायर और वाई का डी एक्स होगा, है ना। यहाँ पर देखिए, दो लिखने का और इसके आगे माइनस लगाने का, बट्टा करने का, एक्स लिखने का, और यहाँ घात दो है तो एक बढ़ा के लिख दीजिए तीन। डी वन बटे का एक्स क्यूब और वाई का यहाँ पे डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का तीन, और यहाँ पे एक्स के घात क्या कीजिएगा, चार कीजिएगा। तो ये हमारा ये डायरेक्ट टेक्निक हो गया, डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना बाबू, डी वन बटे एक्स पे घात एक बटे का दो एक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ माइनस एक बटे का दो लिखेंगे और बट्टे का यहाँ पर एक्स करेंगे और एक बटा दो में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तीन बटे का दो, हो गया आंसर, है ना। ये कुछ बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट तरीका है, जिसको आप लोग देखिए और फटाफट इस पे जाके घर पे रियाज कीजिएगा, ठीक है। इस पे घर पे जाके इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाइएगा और ये तरीका को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा बाबू, ठीक है। अब देखिए, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, जरा उस पे ध्यान देंगे, है ना। पहला रूल क्या होता है मेरे बच्चों, तो पहला क्या होता है, ये सम रूल होता है बाबू। पहला क्या होता है, तो ये सम रूल होता है, ये नियम होता है मेरे बच्चों। क्या भाई, जब एक से अधिक फंक्शन क्या है ना, प्लस माइनस चिन्ह के साथ हो, प्लस माइनस चिन्ह के साथ हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और तब यहाँ पे हम डी बाई वाई डी एक्स निकालेंगे, तो क्या होगा ना, सबका अलग अलग अवकलन होगा, प्लस माइनस चिन्ह जो है जहां है वही रहेगा, यानी कि f1 x का अवकलन, यानी ऊपर d लगाएंगे नीचे का dx, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा डी एफ टू एक्स और y का dx, और ये प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा डी एफ थ्री का x और y का ये हो जाएगा dx। सपोजेड बच्चों, यहाँ पे y बराबर का x स्क्वायर माइनस का e टू द पावर x प्लस का साइन x और यहाँ माइनस का log x दे दिया, और तब कह दिया कि इसका डी बाय बाय डी एक्स निकालिए, ठीक है। तो करने का कुछ नहीं, यहाँ डी बाय बाय डी एक्स लगाइएगा, और सम रूल लगने का मतलब सबका अलग अलग अवकलन होगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन तो डी ऊपर डी नीचे डी एक्स, है ना। ई टू दी पावर एक्स का अवकलन ऊपर डी नीचे डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन तो डी साइन एक्स बटे का डी एक्स, है ना। यहाँ पे लॉग एक्स का अवकलन तो यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स और बटे का डी एक्स। अब देखिए, सिंपल बात है, एक्स स्क्वायर का क्या जानते हैं कि टू इंटू का एक्स, ई टू दी पावर का एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और लॉग एक्स का होता है वन बटे का एक्स, है ना। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या है ना, ये सम रूल है कि यदि एक से अधिक पद यदि प्लस माइनस चिन्ह के साथ आए, सबका अलग अलग अवकलन हम निकालते हैं मेरे बच्चों। सबका क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग अवकलन निकालते हैं मेरे बच्चों, क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्रोडक्ट रूल आता है मेरे बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आता है मेरे बच्चों, है ना, गुणनफल का नियम, ठीक है। देखिए क्या कहता है, यदि हमारा दो फंक्शन गुणनफल में हो और तब अवकलन निकालना हो, तो कहता है कि पहले का अवकलन होगा, दूसरे को गुना में रखेंगे, फिर यहाँ पर दूसरे का अवकलन होगा और पहले को गुना में रखेंगे, यही रूल होता है ना। तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इंटू साइन एक्स है और बट्टे का यहाँ पर क्या है डी एक्स है, तो यहाँ पर जो पहले है उसको पहला मान लो, तो पहले का अवकलन होगा और यहाँ पे दूसरा गुना में रहेगा, और फिर प्लस दूसरे का अवकलन होगा, दूसरे का अवकलन होगा और पहला हमारा गुना में रहेगा। बाकी बेसिक रूल तो जानते हो,
इसका घात गुना में आ जाएगा, एक घात कम करके लिखेंगे ये गुना में रहेगा, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस का एक्स, और इनटू का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया। लेकिन ये जब दो फंक्शन गुणनफल के रूप में हो, ठीक है, लेकिन बच्चों यदि तीन फंक्शन गुणनफल के रूप में हो तब क्या करेंगे, तब हम प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो है ना, यदि हमारा तीन फंक्शन गुणनफल में हो, प्रोडक्ट रूल यदि हमारा यहाँ पे तीन फंक्शन पहला दूसरा और तीसरा, तब कहता है इसका अवकलन क्या होगा मेरे बच्चों। तो देखिए रूल है हमारा कि पहला का अवकलन होगा और ये हमारा दूसरा और तीसरा गुना में रहेगा, फिर अब की बार दूसरे का अवकलन होगा तो यहाँ पे पहला पहला और तीसरा गुना में रहेगा, अब की बार यहाँ पे तीसरे का अवकलन होगा तो पहला और ये हमारा दूसरा गुना में रहेगा मेरे बच्चों, ठीक है। सपोज डेट यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन का एक्स और इंटू का ई टू दी पावर एक्स का अवकलन आपको एक्स के सापेक्ष निकालने के लिए दे दिया, ठीक है। रूल फॉर्मूला याद रखिएगा कि पहला का अवकलन होगा और दूसरा अब तीसरा गुना में रहेगा, फिर क्या है दूसरे का अवकलन होगा, दूसरे का अवकलन होगा तो पहला और दूसरा गुना में रहेगा और यहाँ पे सॉरी पहला और तीसरा, और यहाँ हमारा तीसरे का जब अवकलन होगा तो हमारा क्या होगा कि पहला और दूसरा गुना में रहेगा मेरे बच्चों। बाकी तो आप लोग होशियार हो, ठीक है। यहाँ पे ये 2x और इंटू का ये साइन x और इंटू का e टू दी पावर का x, इसका हो जाएगा cos x, ये हो गया x स्क्वायर गुना में e टू दी पावर x गुना में e टू दी पावर x का वही अवकलन रह जाता है x स्क्वायर इंटू का ये साइन x, और यही हमारा आंसर हो, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल हो गया मेरे बच्चों। इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, जब तीन फंक्शन गुणनफल में हो तो आप अवकलन निकाल सकते हो मेरे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, फटाफट नोट करेंगे बाबू जरा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अब चौथा हमारा आता है। अब इसके बाद क्या रूल है ना, कि जब तीन से अधिक हो ना तो लॉग का प्रयोग करते हैं। जब यदि हमारा अवकलन निकालने का रहे पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, है ना, इसका अवकलन निकालने के लिए यहाँ पे लॉग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लॉग का प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों, लॉग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लॉग का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो अभी जस्ट हम आपको बताते हैं, ठीक है। लॉग का कुछ फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लॉग एम इंटू का एन इंटू का पी इंटू का के बराबर जो होता है, ये लॉग हमारा एम प्लस का लॉग हमारा यहाँ पे एन प्लस यहाँ पे लॉग हमारा पी और प्लस लॉग हमारा के होता है ना। तो लॉग जब लगाइएगा तो लॉग का नियम याद रखना होगा, लॉग यहाँ पर एम बटे का एन जो होता है, ये लॉग हमारा है ना एम माइनस का लॉग एन होता है बाबू, और लॉग यदि हमारा एम टू दी पावर एन होता है ना तो यहाँ एन लॉग एम लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और भी रूल होता है कि लॉग ए है और बेस ए है तो इसका वैल्यू एक होता है, ठीक है। तो ये कुछ लॉग के रूल है जिसको आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा दे दिया बाई बराबर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर दे दिया बच्चा साइन एक्स इंटू का साइन टू एक्स इंटू का साइन थ्री एक्स और इंटू का ये साइन फोर एक्स, ठीक है। और तब कह दिया कि इसका डी बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में लॉग का इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं जरा देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log sin x और इंटू का ये हो जाएगा sin का 2x और इंटू का हो जाएगा sin का 3x और इंटू का क्या हो जाएगा sin का 4x, ठीक है। अब यहाँ पे log y बराबर जो होगा, देखिए प्लस में आ जाएगा, log का sin x प्लस हो जाएगा log का sin 2x और प्लस क्या हो जाएगा log का यहाँ पे sin 3x और प्लस का क्या हो जाएगा ये log का ये sin 4x, ठीक है। अब देखिए अवकलन निकालिएगा यहाँ पे d log y और बट्टे का यहाँ पे dx कीजिएगा, ये हो जाएगा d log और sin x और बट्टे का ये हो जाएगा dx, यहाँ पर हो जाएगा d log, यहाँ पे हो जाएगा sin 2x और बट्टे का यहाँ पे dx और ये हो जाएगा d log, यहाँ पे हो जाएगा sin 3x और बट्टे का dx और यहाँ हो जाएगा d log और यहाँ पे sin यहाँ पे 4x और बट्टे का हो जाएगा dx। अब कुछ नहीं करना है ना, अब कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, सबका
लॉग निकाल लेंगे, सबका लॉग निकाल लेंगे, फिर कहानी वही हो जाएगी, है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग जरा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज सिखाते हैं बाबू कि यहां पर डी एक्स बटे का डी एक्स क्या होता है, तो वन होता है, लेकिन यहां पर यदि चर बदल गया तो यहां डी वाई वाई डी एक्स का डी एक्स ही होता है। जैसे यहां पे डी लॉग वाई और बटे का यहां पे डी एक्स है, तो देखिए यहां पे लॉग में वाई है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा डी लॉग वाई और बटे का डी वाई और इंटू का डी वाई बटे का डी एक्स, यानी लॉग का होता है वन बटे का वाई और इंटू डी वाई वाई का डी एक्स, ठीक है। निकाल दिया, यहां पर क्या लिखा है डी लॉग यहाँ पे साइन का हमारा एक्स और बटे का डी एक्स, ठीक है। तो अभी चेन रूल जस्ट पढ़े थे ना जी, लॉग का क्या होता है, लॉग में जो होता है उसको वन बट्टा हो जाता है। अभी जस्ट पढ़े थे आप लोग कि डी लॉग एक्स और बटे का डी एक्स, लॉग में एक्स है और उसी के सापेक्ष अवकलन निकालते हैं, ये वन बटे का एक्स होता है। ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर देखिए साइन है ना, तो ये वन बटे का साइन हो जाएगा और इंटू यहाँ पे साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है बाबू। यहाँ पे डी लॉग यदि यहाँ साइन टू एक्स और बटे का यहाँ पे डी एक्स करे, तो अभी जस्ट बताया था कि जिसमें लॉग लगा होगा उसका अवकलन में ए उसी एक बट्टा कर देते हैं, तो एक बटे का क्या हो जाएगा ये साइन टू एक्स हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा ये टू कॉस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी लॉग हमारा क्या था, अभी साइन थ्री एक्स था बाबू और बट्टे का यहाँ पे डी एक्स था, तो ये हो जाएगा हमारा साइन वन बटे का साइन थ्री एक्स, है ना। ये हो जाएगा वन बटे का साइन थ्री एक्स और इंटू का हो जाएगा थ्री कॉस का थ्री एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट अभी लिखा था हमने डी लॉग यहाँ पे साइन का फोर एक्स, साइन का फोर एक्स और बट्टे का डी एक्स, तो ये हो जाता वन बटे का साइन फोर एक्स और इंटू का हो जाता फोर कॉस का फोर एक्स, ठीक है। अब तो इसका आंसर निकालना आसान है ना, अब सबका वैल्यू रख दीजिए, सबका वैल्यू क्या रख दीजिए, कॉस बटा साइन हमारा क्या होता है कॉट एक्स, इसको क्या लिखिएगा टू कॉट का टू एक्स, है ना, इसको क्या लिखिएगा थ्री कॉट का थ्री एक्स और इसको क्या लिखिएगा फोर कॉट का फोर एक्स, है ना, फोर कॉट का फोर एक्स लिखिएगा। अब सबका वैल्यू आ गया, तब क्वेश्चन में रख दीजिएगा, है ना, रख दीजिएगा और इसका आंसर ले लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो वन बटे का वाई और इंटू डी वाई वाई का डी एक्स, है ना, और बराबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस का टू कॉट टू एक्स और प्लस का क्या हो गया थ्री कॉट का थ्री एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा फोर कॉट का फोर एक्स, और यहाँ पे डी वाई वाई डी एक्स निकालिएगा ना, ये हो जाएगा वाई गुने का यहाँ पे कॉट एक्स प्लस का हो जाएगा टू कॉट का टू एक्स और प्लस का हो जाएगा थ्री कॉट का यहाँ पे थ्री एक्स और प्लस हो जाएगा फोर कॉट का फोर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे बाई का वैल्यू रख दीजिएगा ना, यहाँ पे बाई का वैल्यू रख दीजिएगा क्या भाई, तो यहाँ पर बाई का वैल्यू रखना होगा, अभी और बेस्ट टेक्निक बता रहे हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर हो जाएगा ये साइन एक्स इंटू का साइन टू एक्स इंटू का ये हो जाएगा साइन थ्री एक्स इंटू का हो जाएगा यहाँ पे साइन फोर एक्स और उसके बाद में यहाँ पर आप गुना कर लो, ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस का यहाँ पे टू कॉट का टू एक्स प्लस का हो जाएगा थ्री कॉट का थ्री एक्स और प्लस हो जाएगा फोर कॉट का फोर एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब फंक्शन हमारा तीन से अधिक पद में गुणनफल के रूप में आएगा, चार में आएगा, पांच में आएगा, छह में आएगा, तो इस तरह से यूज करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब क्या है ना, कुछ और बेस्ट टेक्निक आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए बेस टेक्निक और क्या है, और लास्ट रूल है इसका डिवाइड रूल, लास्ट रूल जो है आपका डिवाइड रूल है। थोड़ा सा रूल को पहले जज कर ले, फिर और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल को आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे कहता है कि यदि पहला और बटे का दूसरे का अवकलन निकालना हो, तो रूल कहता है कि पहले का अवकलन होगा दूसरा गुना में होगा माइनस दूसरे का अवकलन होगा और ये पहला हमारा गुना में रहेगा, पहला हमारा क्या रहेगा गुना में रहेगा, ठीक है। पहले रूल को जरा समझा दे, यदि यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर और बटे का यहाँ पे साइन एक्स है और बटे का डी एक्स, है ना, तो यहाँ क्या होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंश का अवकलन होगा, अंश का अवकलन होगा हर गुना में रहेगा माइनस हर का अवकलन होगा, है ना, और अंश हमारा गुना में रहेगा और सॉरी बटे का सेकेंड का स्क्वायर होता है ना,
बट्टे का ये क्या हो जाएगा कि हर का होल स्क्वायर होगा, बाकी आप लोग होशियार हो है ना, एक्स स्क्वायर का 2x और ये हो गया साइन एक्स, और साइन का हो गया कॉस एक्स, और इनटू का हो गया एक्स स्क्वायर, और बटे का यहाँ पे क्या हो गया ये, तो साइन हमारा एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और यही फाइनल हमारा आंसर हो गया। ये डिवाइड रूल है मेरे बच्चों, ये हमारा क्या है डिवाइड रूल है, इसको जरा नोट करेंगे ठीक है। ओके ओके ना, चलिए अभी बहुत सारा रूल अभी आपको बताने को बाकी है मेरे बच्चों ठीक है। चलिए दी बेस्ट टेक्निक बता रहे हैं आपको, पूरे अवकलन को आप कैसे चटनी की तरह बना के खा जाइएगा ठीक है। चलिए जल्दी हो गया। अब देखो बच्चा मेरे, मेन आपका जो हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा तरीका बताया ना, ये दी बेस्ट तरीका था ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे बच्चों, यहाँ पे कह दिए कि डी एक्स टू दी पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कैसे हम निकालें ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला होता है कि ए टू दी पावर एक्स है ना, इसके आधार, इसको आधार बोलते हैं, ये घात होता है, जब तक इसको आप ना है ना, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ई पे पावर क्या हो जाएगा है ना। बहुत अच्छा सवाल है ठीक है, बहुत अच्छा सवाल क्या है कि जो हमारा आधार में होता है ना, उसमें लॉग लगा दीजिए और घात को आगे गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ए टू दी पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष निकालेंगे, डी यहाँ ई टू दी पावर एक्स लॉग का ए हो जाएगा और बट्टे का डी एक्स। तो आपको मालूम है ना कि जो घात होता है ना, आपको मालूम है ना कि ई पर जो घात होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वही रह जाता है ना। तो ई पर घात के सापेक्ष इसका अवकलन करिएगा, ई टू दी पावर एक्स और ये लॉग ए होगा, और फिर घात का अवकलन हो जाएगा तो ये लॉग ए हो जाएगा और इंटू डी एक्स बटे का डी एक्स हो जाएगा, जो कि कट जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा फिर से, जिसमें लॉग लगा है आधार में लिख दीजिए, लॉग किया कि गुना है घात चढ़ा दीजिए, लॉग एक्स इंटू का ए होता है ठीक है। तो इस टेक्निक के आप लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे करेंगे, चूंकि यहाँ पर आधार में भी एक्स है और घात में भी एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा डी और ई टू दी पावर ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स है ना, और बट्टे का क्या हो जाएगा डी एक्स। फिर क्या है, फिर क्या है, अब जैसे अभी देखें जी कि ई टू दी पावर का रूट एक्स होगा और बाय का डी एक्स होगा, तो जो घात होता है ना यहाँ पे, जो ई पे घात होता है ना, उसी के सापेक्ष अवकलन इसका निकाला जाता है, उसी के सापेक्ष, यानी कि चेन रूल यहाँ भी लगता है मेरे बच्चों ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो वही रह जाएगा डी एक्स लॉग एक्स ही रह जाएगा, फिर इसके घात का अवकलन हो जाएगा जी, यहाँ पे इसके घात का अवकलन हो जाएगा मेरे बच्चों ठीक है। तो फिर से जिसमें लॉग लगा है आधार में लिख दीजिए, आगे गुना है घात में चढ़ा दीजिए, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट लगेगा, पहला का अवकलन होगा, दूसरा को गुना में रखेंगे और प्लस दूसरे का अवकलन होगा, दूसरे का अवकलन होगा तो पहले को गुना में रखेंगे जी है ना, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एक्स और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स और लॉग एक्स का हो जाएगा वन बटे का एक्स और इनटू का एक्स, एक्स एक्स कट गया, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर का एक्स और ये हो जाएगा वन प्लस का लॉग एक्स, वन प्लस का क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और यही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए थे, इधर हमारा, इधर हम समझने के लिए बताए हुए हैं ठीक है, और ये हमने बेस्ट तरीका बताया बच्चों है ना, कि जब भी आपका चर राशि पे घात चर राशि हो ना, तो आप इस तरीका से ही बना सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, ये मेथड नंबर फर्स्ट है, दूसरा तरीका है लॉग लगाकर, दूसरा तरीका है लॉग लगाकर, दूसरा तरीका क्या है लॉग लगाकर भी इसको बना सकते हैं मेरे बच्चों ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, फिर हम लॉग लगा के बताते हैं कि इसका अवकलन कैसे होगा बाबू ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे वाई बराबर का एक्स टू दी पावर का एक्स ले लीजिए, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, ये हो जाएगा लॉग वाई और ये हो जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर का एक्स। अभी जस्ट हमने बताया था कि लॉग जिसमें लगाते हैं उस पर यदि घात हो, उस घात को गुना में लिख देते हैं एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डी लॉग का वाई और बट्टे का यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा बबुआ लॉग एक्स और बट्टे का ये हो जाएगा डी एक्स और लॉग वाई का हो जाएगा वन बट्टे का वाई, लेकिन यहाँ वाई और यहाँ एक्स है तो अलग से एक पद आएगा डी वाई वाई का डी एक्स है ना, और ये हो जाएगा पहला का अवकलन, दूसरा को गुना में रखेंगे और ये हो जाएगा दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन और पहला को गुना में रखेंगे,
ये हो जाएगा वन बटे का वाई, और ये हो जाएगा डी वाई वाई का डी एक्स, और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा लॉग का एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा वन बटे का एक्स और इंटू का एक्स, एक्स कट गया है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया यहाँ पे, डी वाई वाई का डी एक्स, और ये हो जाएगा वाई गुने का लॉग एक्स और प्लस का वन, और यहाँ पे वाई का वैल्यू रख दो आप एक्स टू दी पावर का एक्स, और ये हो गया लॉग एक्स और प्लस का वन, और यही हमारा आंसर हो गया मेरे बच्चों, है ना। तो ये दो तरीका हमने बता दिया बाबू, जब चर राशि पे घात चर राशि हो तो लॉग लगा के ही बना सकते हो, और या फिर विदाउट आप लॉग बना सकते हो मेरे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे बाबू मेरे, फटाफट नोट करेंगे बबुआ जरा, ओके। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल ये एकदम गर्दा उड़ाने वाला सवाल है, ठीक है। चलिए आप देखिए अनोखे ट्रिक के लिए तैयार हो जाइए, अब अनोखे ट्रिक के लिए तैयार हो जाइए, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन और सब बनाते हैं बताते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर मेरे बच्चों यहाँ पर दे दिया हमारा, आप जानते हैं कि यहाँ पे डी साइन इनवर्स का एक्स और बटे का डी एक्स, ठीक है, ये क्या होता है, इसका ही फॉर्मूला होता है यहाँ पे, है ना, डी साइन इनवर्स एक्स और बटे का डी एक्स, ये हमारा वन बटे का अंडर रूट वन माइनस का स्क्वायर होता है, यहाँ पे डी कॉस इनवर्स एक्स वाई का डी एक्स हमारा क्या होता है माइनस वन बटे का अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, डी टेन इनवर्स एक्स और वाई का डी एक्स ये वन बटे का वन प्लस का स्क्वायर होता है, यहाँ पे डी कॉट इनवर्स एक्स और वाई का डी एक्स ये क्या होता है माइनस वन बटे का वन प्लस का स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको मालूम है कि डी सेक इनवर्स एक्स और बटे का डी एक्स इसके बराबर होता है वन बटे का एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर का माइनस का वन होता है, और डी कॉसेक इनवर्स एक्स और बाई का डी एक्स बराबर का क्या होता है माइनस वन बटे का एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर का माइनस वन होता है, ये हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का अवकलन होता है, इसको इनवर्स बोलते हैं ना, इनवर्स, ये इनवर्स का हमारा क्या है डेरिवेटिव्स है, ठीक है। अब जरा इसको रूल को समझाते हैं, देखिए यहाँ पे टेक्निक है बाबू, क्या टेक्निक है कि यहाँ पे साइन इनवर्स में एक से और उसी के साथ अवकलन कर रहे हैं, तो एक लिखेंगे बट्टा करेंगे वन का माइनस करेंगे और जिसके सापेक्ष निकालेंगे ना उसका वर्ग करेंगे। यदि कोई दे दिया यहाँ पे डी साइन इनवर्स रूट एक्स और बाई का डी एक्स, तो करने का कुछ नहीं, पहले एक लिखने का, बट्टा करने का, स्क्वायर रूट चढ़ाने का, एक लिखने का, घटाव का चिन्ह देने का, और यहाँ रूट एक्स है ना, यहाँ रूट एक्स का होल स्क्वायर करने का, और फिर ये तो अभी साइन इनवर्स का रोग होगा, फिर अलग से रूट एक्स का अवकलन निकाल दीजिएगा, अलग से रूट एक्स का अवकलन निकाल दीजिएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस का एक्स और इंटू का हो जाएगा वन वाई का टू रूट का एक्स, ठीक है, हमें लगा इसे ही बता देना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाला ही जो चेन रूल है ना, जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलिए यदि यहाँ पर कोई दे दे मेरे बच्चों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे दे दे डी साइन इनवर्स और कॉस एक्स और बाई का डी एक्स, तो अभी जस्ट हमने देखा ना कि साइन इनवर्स का अवकलन में क्या होता है, एक बट्टा लिखते हैं, स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं, एक लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, और साइन इनवर्स में जो होता है ना, तो यहाँ कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का यहाँ पर क्या कर देंगे कि होल स्क्वायर, और फिर लास्टली अभी साइन इनवर्स का किया है ना, इस कॉस का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और बट्टे का हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। ये अलग बात है कि यहाँ पे ये पद जो है ना, ये साइन एक्स के बराबर होता है, कट के क्या आ गया माइनस का वन, कट के क्या आ गया माइनस का वन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको आपको बनाना होगा बाबू, ठीक है। चलिए अब क्या है ना कि यदि पद इनफाइनाइट हो, पदों की संख्या इनफाइनाइट हो, पदों की संख्या हमारा क्या हो अनंत हो, क्या हो अनंत हो, तब हम यहाँ पे डी बाय बाय डी एक्स कैसे निकालें, दोनों तरह से बता देंगे, टेक्निक भी बता देंगे और सवाल भी बता देंगे। देखिए यदि इसमें आपका क्वेश्चन जो है इस प्रकार से रहे, अंडर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, फिर प्लस का रूट एक्स और फिर अंडर रूट एक्स और ये इनफाइनाइट तक चला जाए, तो ये डी बाय बाय डी एक्स इसका निकालना हो ना, तो कुछ नहीं करते हैं, देखिए क्या क्या याद रखते हैं आप, किस पद का रिपीटेशन है, तो एक्स का, एक ही एक से पद का लगातार रिपीटेशन हो रहा है, तो एक्स का अवकलन यहाँ पे कर दिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का अवकलन कर दीजिए,
ठीक है, और बट्टे का यहाँ पे 2y-1 कर दीजिए, यानी एक बट्टे का यहाँ पे 2y का माइनस वन होगा। ठीक है, अब कैसे आएगा जो देखिए। देखिए बाबू, जब एक ही पद का लगातार हमारा क्या होना, रिपीटेशन होना, तो बाकी एक पद को छोड़कर, इस पद को छोड़ दीजिए और सबों को फिर से वही मान लीजिए y, क्या हो जाएगा, y बराबर का अंडर रूट x और प्लस का y, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, y स्क्वायर x प्लस का y, अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस का वाई, और बट्टे का ये हो जाएगा डी एक्स, इधर तो हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा डी एक्स बट्टे का डी एक्स, है ना, और प्लस ये हो जाएगा डी वाई वाई का डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y और यहाँ पे डी वाई वाई का डी एक्स होगा। ठीक है, फर्दर यहाँ पे 2y और इंटू का डी वाई वाई डी एक्स और माइनस यहाँ पे डी वाई वाई का डी एक्स, और इधर हो गया ये डी वाई वाई डी एक्स, आप कॉमन कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y-1 बट्टे का एक, और फाइनली यहाँ पर आंसर बना लो कि डी वाई वाई का डी एक्स बराबर जो हो जाएगा 1/2y-1, और यही हमारा आंसर। ये दी बेस्ट टेक्निक है बाबू, है ना, जो बता रहे हैं आपको कि इस तरह का क्वेश्चन पूरे अवकलन मिलेगा तो गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जी, फटाफट नोट करेंगे बाबू जरा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए इसमें जो है ना, यदि इस तरह का क्वेश्चन मिले, यदि y बराबर यहाँ पर दे दिया आपको, सिंपल सी बात है, यहाँ पर साइन एक्स प्लस का रूट यहाँ पे साइन एक्स और प्लस का यहाँ पर रूट साइन एक्स और ये इनफाइनाइट, और तब कह दे इसका डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो अभी जस्ट बताए हैं ना, जस्ट क्या बताए हैं बाबू कि किस पद का रिपीटेशन हो रहा है, तो साइन का, यहाँ पर साइन का अवकलन लिख दीजिए, है ना, और बट्टे का 2y-1 कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा अवकलन कॉस एक्स, और बट्टे का हो जाएगा 2y-1, और ये हो गया आंसर, है ना। कुछ भी हो सकता है, यदि यहाँ y बराबर का यहाँ पर बच्चों यहाँ पर टेन एक्स का रिपीटेशन होता, क्या होता, यहाँ पे टेन एक्स का रिपीटेशन होता। ठीक है, यहाँ पर क्या होता, ये टेन एक्स का रिपीटेशन होता मेरे बच्चों, तो सिर्फ इसका अवकलन जो निकालते ना, क्या होता, किसका रिपीटेशन होता है, तो टेन का, तो यहाँ पे टेन का अवकलन हम निकालते एक्स के सापेक्ष, है ना, ये हो जाएगा, और बट्टे का 2y-1 करते, तो ये हो जाएगा टेन का सेक स्क्वायर का एक्स और बट्टे का यहाँ पे 2y-1, और ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें एक और टेक्निक है बच्चों, इसमें इनफाइनाइट सीरीज का दो तरीका का क्वेश्चन पूछता है, ये पहला तरीका हो गया, फटाफट नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, यदि y बराबर x^(x^(x^(x^)) इनफाइनाइट दे दे, ठीक है, और तब कह दे किसका डी बाई बाई डी एक्स निकाल, तो करने का कुछ नहीं मेरे बच्चों। देखिए करने का क्या, बिल्कुल आराम से देखिएगा, कि एक पद छोड़कर फिर से पुल को y मान लीजिएगा, ये y बराबर क्या हो जाएगा x^(y), अब दोनों तरफ log लगा दीजिए, ये log y बराबर ये हो जाएगा y log x। ठीक है, अब यहाँ पे अवकलन निकाल दीजिए, d log y क्या हो जाएगा, ये d log y और बट्टे का डी एक्स और बराबर की हो जाएगा डी वाई लॉग एक्स और बट्टे का ये हो गया डी एक्स। अब देखिए फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लॉग वाई का हो जाएगा 1/y और डी वाई वाई का डी एक्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल चलेगा, पहला का अवकलन होगा, दूसरा को गुना में रखेंगे और फिर दूसरे का अवकलन होगा, दूसरे का अवकलन होगा और पहला को गुना में रखेंगे, ये हो जाएगा 1/y और ये हो जाएगा डी वाई वाई का डी एक्स और ये हो जाएगा डी वाई का डी एक्स और इंटू का ये हो गया लॉग एक्स और ये हो जाएगा log x का 1/x और इंटू का वाई। अब फाइनली आंसर जो है यहाँ पर देखिए कैसे लाएंगे, तो देखो यहाँ पर d बाई बाई डी एक्स लपद एक तरफ करो, ये 1/y और ये हो जाएगा माइनस का log x, ठीक है, और इंटू का ये हो जाएगा d बाई बाई डी एक्स और इधर हो जाएगा वाई बटे का x, और फाइनल आंसर जो होगा यहाँ पे d बाई बाई का डी एक्स बराबर ये वाई बटे का x और ये गुना में हो जाएगा 1-y log x और बट्टे का यहाँ पर क्या हो जाएगा
ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। सॉरी, ये भागा में जाएगा, ये गुना में आए, ये बाई स्क्वायर और इनटू का वन माइनस ये बाई लॉग एक्स आएगा और यही हमारा फाइनली आंसर आएगा। तो इस तरह से देखिए हम अवकलन निकालते हैं मेरे बच्चों। कोई टेक्निक यदि हमारा आ जाए तो क्लियर है, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे बाबू। यानी कि पहले जो सब रूल का उसी का मैच्योर है, देखिए इसका बेस टेक्निक देख रहे हैं। ओके चलिए, यदि यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम इसको कोई ट्रिक बता देते हैं डायरेक्ट आंसर बनाने का, ठीक है। क्लियर है, चलिए बेस्ट तरीका बताते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर अभी रखने देते हैं, ठीक है, और दूसरा तरह का सवाल लेने का प्रयास करते हैं। y बराबर का यहाँ पे साइन एक्स टू दी पावर का साइन एक्स टू दी पावर का साइन एक्स और ये इनफाइनाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये y बराबर हो जाएगा साइन एक्स टू दी पावर ये होल y, यहाँ हो जाएगा log y और बराबर ये हो जाएगा बाई लॉग यहाँ पे साइन एक्स, यदि लॉग लेंगे तो, ठीक है, ये हो जाएगा वन बटे का वाई, ये हो जाएगा डी वाई वाई का डी एक्स और ये हो जाएगा यहाँ का डी वाई वाई का डी एक्स और इनटू का हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स और प्लस लॉग का अवकलन जो होगा वन बटे का साइन एक्स और इनटू का कॉस एक्स और इनटू का वाई, है ना। फाइनली इसका आंसर जो होगा यहाँ पे डी वाई वाई का डी एक्स इनटू वन बटे का वाई, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे लॉग जो हो जाएगा ना ये साइन एक्स और बराबर का क्या हो जाएगा y इंटू का cot x, ठीक है, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बाई स्क्वायर इंटू का cot x और बट्टे का हो जाएगा वन माइनस वाई और ये log का हमारा हो जाएगा sin x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है, देखिए ट्रिक हमारा क्या है। डायरेक्ट यदि आंसर लिखना हो तो देखिए क्या ट्रिक है ना, डायरेक्ट देखिए ट्रिक हम क्या बताते हैं, यदि इसी का आंसर हमको लगाना हो, ठीक है, तो पहले ये y है ना, यहाँ पे y स्क्वायर कर दीजिए और इनटू हमको क्या करना होगा, जिस पद का रिपीटेशन होगा ना उसमें log लगा दीजिए, तो यहाँ पर साइन का रिपीटेशन है इसमें लॉग लगा दीजिए, डी लॉग, लॉग लगा के इसका अवकलन कर दीजिए, है ना, यानी हो जाएगा यहाँ पर डी लॉग और यहाँ पर क्या हो गया साइन एक्स और बाई का डी एक्स और बट्टा में, बट्टा में देखिए क्या करना है, ठीक है, तो बट्टे में हमारा क्या करना है कि यहाँ पर एक लिखना है और माइनस का यहाँ पर वाई लिखना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है ना कि जिस पद का रिपीटेशन हो उसमें लॉग लगा के लिख दीजिए, ये लॉग साइन एक्स हो गया आंसर, ठीक है, आंसर मिला, ये देखिए मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब बेस टेक्निक दिमाग में आ गई, क्या टेक्निक दिमाग में आ गई, ठीक है, तो जरा इसको रहने दीजिए, देखिए टेक्निक क्या आ गई दिमाग में, यदि हमको इसका आंसर लिखना, ठीक है, यहाँ y बराबर यहाँ पे tan x टू दी पावर tan x टू दी पावर tan x और ये इनफाइनाइट हो, तो इसका आंसर के लिए क्या टेक्निक है जरा सीखिएगा, यहाँ y है तो y स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे किस पद का रिपीटेशन है tan का, तो यहाँ पे tan में log लगा दीजिए और यहाँ पर उसका अवकलन कर देंगे और बट्टे का dx और ये हो जाएगा वन माइनस वाई और इनटू में क्या लगाएंगे, जिस पद का रिपीटेशन होगा ना उसमें लॉग लगा के सिर्फ लिख दें, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इनटू लॉग ये हो जाएगा वन बटे का टेन एक्स और इनटू का ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और बट्टे का वन माइनस वाई और ये लॉग हमारा टेन एक्स, ठीक है। चलिए इस पे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं,
वाई बराबर एक्स टू दी पावर का एक्स, एक्स टू दी पावर का एक्स, एक्स टू दी पावर का एक और इनफाइनाइट। इसका आंसर लिखने में क्या है, पहले क्या कर देना है वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर एक्स का रिपीटेशन है ना, इसमें लॉग लगा दीजिए एक्स में और उसका अवकलन निकाल दीजिए, और बट्टे का वन माइनस का वाई और इन टू, जिस पद का रिपीटेशन है ना उसमें आप लॉग लगा दीजिए, यही हो गया आंसर, ठीक है। इसका भी ट्रिक आप लोग को मालूम हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे मेरे बच्चों, और एकदम गर्दा उड़ा देना है बाबू, क्या उड़ा देना है तो गर्दा उड़ा देना है बच्चा, है ना। तो बच्चों हमारा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों, है ना। जो बच्चे, और एक बात और कह देते हैं मेरे बच्चों, हमारा जो है ना टेलीग्राम चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसे जरूर आप ज्वाइन करें, ठीक है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, इसको आप जरूर ज्वाइन करें मेरे बच्चों। इसमें आपका क्यूज होता है और प्लस टाइम टेबल आपको पता चल जाएगा, है ना, क्लासेज की टाइम टेबल मालूम हो जाएगी, और प्लस पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा वहां पे ट्वेल्थ का, है ना। और ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है बच्चों, ट्वेल्थ का सिलेबस जो है बिल्कुल रन कर रहा है, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे क्लास को जरूर शेयर करेंगे, और जाते जाते एक बार जरूर कहेंगे मेरे बच्चों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ है मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, ओके, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड।